अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जान रामो और आप देख रहे हैं गेस्ट इन हाउस जान रामो यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन आपके यहाँ नजर आएगा उसको ऐसे टिंग करके दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और मेरा शो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी तो जैसा कि आपको पता है कि कभी मैं किसी का गेस्ट बन के जाता हूँ उनके घर में, और ज्यादातर जो है वो गेस्ट जो है वो मेरे घर में आते हैं, यही पे हम प्रोग्राम करते हैं। तो आज एक गेस्ट जो है वो बहुत दूर से हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जी एक ऐसे फनकार जिन्होंने 1996 में अपने कैरियर का आगाज किया और मॉडलिंग से किया, जबरदस्त मॉडल रहे और काफी सारे अवार्ड भी उठाए वहां से, चोरी करके नहीं चुके, बकायदा जीते हैं अवार्ड जैसे होता है। मगर तुम कहोगे किधर अवार्ड चुक के दौड़ गए, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद अचानक डायरेक्ट फिल्म में आए, चलो इश्क लड़ाएं, पाकिस्तान की एक जबरदस्त फिल्म थी जिसमें इन्होंने मेन रोल किया था। चलो इश्क लड़ाएं, चलो इश्क लड़ाएं, ये फिल्म का नाम है, गाने की बात नहीं कर रहा मैं, ये गाना अलग से है। अच्छा, उस फिल्म के बाद इन्होंने एक और फिल्म की लाज के नाम से, माशाल्लाह दो जबरदस्त फिल्में करने के बाद फिर ये टेलीविजन पे आए और बेतहाशा काम किया और काम करते रहे करते रहे करते रहे और करते करते अचानक कहीं गायब हो गए। जी हाँ, आजकल वो आपको कहीं स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे होंगे, ना छोटी स्क्रीन पे, ना बड़ी स्क्रीन पे, ना सोशल मीडिया पे। और ये गायब ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सोशल मीडिया, शायद इन्होंने अपना फेसबुक भी नहीं बनाया हुआ, हालांकि आजकल तो बेतहाशा चीजें हैं, फलां ऐप्स 15-20 हैं, ये किसी पे नजर नहीं आते। तो मैंने आखिर में ढूंढ निकाला और ये बड़े दूर से आए हैं और स्पेशल आए हैं, तो मैंने कहा जी पकड़ो इनको। और मेरा आपसे वादा भी था कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो गायब हैं, छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे, आना नहीं चाह रहे, क्यों नहीं आना चाह रहे। तो आपकी भरपूर तालियों में, आप ही की तालियों में, आपके सामने आपके पसंदीदा जब मैं नाम लूंगा आप कहेंगे ओए क्या बात है यार, आज इनको बुला लिया। तो आपके सामने तशरीफ लाते हैं इमरान अरूर। लेकिन लंदन में बहुत ज्यादा है और आप तशरीफ लाए हैं लंदन से, यूके में। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, मैं बाद में पूछूंगा कि आप गए हैं, गायब क्यों हो गए हैं, वापस क्यों नहीं आए, और आज आप ये आपको आए हुए तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं मुलाकात में, तो मैंने कहा यार आप प्लीज टाइम निकालें। तो बहुत, क्योंकि जब लोग आते हैं ना बाहर के मुल्क से तो बहुत बिजी होते हैं, रिश्तेदारों से मिलना होता है, तो स्पेशली इन्होंने टाइम निकाला, एक बार फिर शुक्रिया। अरे नहीं, आपके भी आना मेरे लिए खुशी की बात। अच्छा चलिए, ये बताएं, बहुत शुक्रिया जी, ये बताइए कि कहाँ गायब है और क्यों गायब है? अफजल, मैं बिल्कुल भी कहीं गायब नहीं हूँ। मैं कुछ वक्त के लिए मैंने अपने इस प्रोफेशन से ब्रेक लिया, क्योंकि इस प्रोफेशन में रहते हुए बहुत अरसे से मैं एक फैमिली से दूर हूँ। अच्छा, अपनी फैमिली से। अच्छा, इमीडिएट फैमिली है, अल्लाह ताला ने मुझे निकाह जैसे साजिश से नवाजा, माशाल्लाह, और एक बड़ा खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी है। अच्छा जी, और वो उसकी वजह से आपको उधर जाना पड़ा? नहीं, उसकी वजह से उधर नहीं जाना पड़ा, बल्कि मुझे अपने बच्चों के लिए उधर जाना पड़ा। अच्छा, क्योंकि वी बोथ म्यूचुअली हैव आई मीन किड्स विद बोथ ऑफ अस, सो तो वो कहते हैं कि जब खानदान है वो तब पूरा होता है जब माँ बाप साथ हों और बच्चे भी साथ हों। तो माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो अब कॉलेज में हैं, यूनी में हैं और स्कूल में हैं। और मेरे तो अभी छोटे हैं ना, मैं तो इतना नहीं बताऊंगा कि मेरे कॉलेज में। आप तो खुद बहुत छोटे जी, बच्चे अब हमारे बड़े हो गए हैं जी। मेन रीजन वहां जाने का ये था कि अब बच्चों को उनके एजुकेशन और उनके करियर, उनकी आप इकट्ठे रह गए, थोड़ा डाइन किया जाए उनको, उनको उनकी लाइफ की तरफ और उनको इस तरफ। और ये बड़ी बात होती है कि शो जिसको छोड़ना, ये कुर्बानी कोई दे नहीं सकता, तो आपने अचानक दी। और मतलब आपने तकरीबन 16 साल काम किया? मैंने 18 साल काम किया। 18 साल काम, आई स्टार्टेड अप एज अ मेल मॉडल, लाहौर इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था 96 में। और क्या मॉडल थे? उसने प्रमोट किया एज ए मॉडल और
उसके साथ मैंने अच्छा 5-6 साल काम किया, फिर उसके बाद फिल्म की ऑफर आ गई जी, 2 फिल्में की आप जी बिल्कुल, और पहली फिल्म जो है वो हसन अस्करी साहब ने डायरेक्ट की थी, एवेन्यू पिक्चर्स प्रोड्यूस की, बड़ा दाल है, बड़ी बात होती थी जी एवेन्यू की पिक्चर्स। आई फील लाइक आई वाज वेरी लकी कि मैं मॉडलिंग से डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आया जी, और टू बी ऑनेस्ट आपका बहुत बड़ा फैन था और रंग पचा उड़ रहा है यार। अच्छा तो आप हम लोगों के लिए वहां मिले, हम काम करते रहे, काम करते रहे स्टूडियो में, और जो हीरोइज्म आप लोगों का देखा, आपका शान का, सऊद का, बाबर का, मोमी का, तो बड़ा मजा आया आप सबके साथ काम करते स्टूडियो के अंदर अपना एक माहौल, आप अपने एक तरह के मालिक होते थे, आपका अपना घर है। लेकिन आपको एक जो बात बताना चाहता हूँ ये कि इंडस्ट्री से दूर जाकर या अपने मुल्क से दूर जाकर एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं आप लोगों से दूर हूँ, इस इंडस्ट्री से दूर हूँ, अपने मुल्क से दूर हूँ। क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो शीज ऑल्सो पाकिस्तानी, लाहौर की ही रहने वाली है, तो घर में वही लाहौरी लाहौरी पंजाबी, खाना पीना मतलब कच्चे, अपना ही कल्चर, अपनी अपनी मीडिया को देखना, अपने टीवी पे आजकल तो सब कुछ, वो इतनी क्लोज बॉन्डिंग रही है अपने अपनों के साथ कि फील ही नहीं हुआ कि मुल्क से बाहर। मतलब अब ये आपने कुर्बानी दी थोड़े अरसे के लिए, 5 साल हो गए जी, तो अब आप दोबारा आ रहे हैं, सेटल हो गया ना जी, हां हो गया जी, सब सेटल हो गया, तो अब आप दोबारा बस अब आप जल्दी से प्रोडक्शन हम आपके साथ हैं। और जब हमने गाना शो किया था उसमें ही हमने आपको बड़ा मिस किया, और मैंने रिमेंबर आया भी था कि आपने मुझे ऑफर किया कि यार रोल है अच्छा है, हम इकट्ठे कर रहे हैं, तू घर का बंदा है, हम फैमिली है, लेट्स डू इट, लेट्स ऑल डू इट। बट वो टाइम ऐसा था कि मैं आई वाज अबाउट टू लीव, और मेरे पे उस वक्त जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैं उसको बड़ी अच्छी बात प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये तो हम इंशाल्लाह ये तो हमारे साथ है इसी कुछ, ये तो बहुत है और ये चलता रहेगा, फनकार का ही यार कभी जो है ना वो कैमरे से दूर रह नहीं सकता, दूर से आना ही होता आना ही होता। मैं और मेरी वाइफ जो है हम लोग बाहर रहते भी बहुत सारी मतलब पिक्चर्स और वीडियोस बना के अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, आपने कहा कि फेसबुक पे नहीं, फेसबुक पे मैं इतना एक्टिव नहीं रहता, लेकिन मेरा क्योंकि नजर नहीं आती, क्यों हम जितने क्लोज है मेरे पास तो नहीं, अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास नहीं तो लोगों के पास भी, क्योंकि मैं एक्टिव इतना नहीं होता उस पर, लेकिन ये है कि बार हाल मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, किधर हूँ, वो मैं गायब गायब में थोड़ा उसको जिसको फिल्म मिल जाए खबरें सुबह अवॉइड करते हैं टेलीविजन को, थिएटर को, और हर चीज को अवॉइड करते हैं कि मैंने पैरेलल, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो फिल्म तो फिल्म ही है, क्योंकि हर एक्टर जो घर से निकलता है ना तो वो उस फिल्म स्टार बनने के लिए निकलता है, फिर रास्ते में उसको टेलीविजन से होते हुए, थिएटर से होते हुए, अब तो बीच में सोशल मीडिया भी आ गया, अब तो सोशल मीडिया से होते हुए टीवी, टीवी से सोशल मीडिया, तो अब इन सबको बायपास करता हुआ इंसान को बहुत आगे तक, वो आजकल तो बड़े स्टार है, और आपके हाथ में चैनल है, हेलो हाय गाइस कर करके लगा दिया, अब आप किसी की मोहताज नहीं, चैनल की मोहताज नहीं, अपने ऑडियंस से बात करने की, यूट्यूब चैनल लोगों ने अपने बनाए हुए हैं और उस पे आप अपना प्रोग्राम अपनी मर्जी का डालें, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन सेंसर का लिहाज रखें क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं मुसलमान, उस हिसाब से आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी अपना एक कल्चर है, उसकी एहसास है, और कुछ बाउंड्रीज हैं, आई थिंक अगर हम उन्हीं बाउंड्रीज और अपने उस कल्चर को लेके चलें, क्योंकि पूरी दुनिया में हम पहचाने जाते हैं पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, और हमारा एक अपना एक कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इमरान इसी से याद आया, आपने जो ड्रामे किए आजकल के ड्रामे आप देख रहे होंगे, जाहिर है आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सब तो क्या फर्क लग रहा है? आई थिंक हम कॉन्टेंट पे इतना कॉन्सेंट्रेट इन दैट वे नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि हर बात को
चाहे वो इतना खुलकर बयान करने वाली है या नहीं है, लेकिन हमें हम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जिन्हें इतना ओपनली डिस्कस करना जरूरी नहीं होता। कुछ पर्दादारी है जो कि हमारे रब ने भी रखी है। तो आपको लगता है कि हदें क्रॉस की हैं? बिल्कुल नहीं। और मैं समटाइम्स आई फील रियली डिसअपॉइंटेड कि ठीक है कि आप दुनिया में उस एक पेस को मैच करें, बट कल्चर एक ऐसी चीज है जिन कौमों ने अपनी हिस्ट्री और कल्चर को पीछे छोड़ा, वक्त और जमाने ने उनको पीछे छोड़ा। To be honest, I've seen quite a few plays on television and some of the channels, but मैं मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी कि मतलब why, कि मतलब why हम ये क्यों बता रहे हैं कि भी जो एक घर में भाभी है उसका कोई रिलेशन अपने देवर से हो गया या कुछ जो वो है साली है उसके, but why we are telling, why we are showing it to the, और ये हर जगह नहीं होता, ये मतलब हजार लाख घरों में कोई एक जगह होती होगी, तो उसी को क्यों हम दिखा रहे हैं? देखिए, बुराई को हाईलाइट करना मतलब कि बुराई को इंडोर्स करना। बुराई को अगर आप काम करना चाहते हैं उसकी प्रोजेक्शन को बांधकर उसको बताना और कहना और लोगों में फैलाना बांधकर वो फैलाएंगे तो ज्यादा फैलेगी और उस पे लोगों के ज़हन पे असर होगा। सब कुछ कंटेंट ऐसा है जो इंडोर्स कर रहा है, एक एक चीज होती दिखाना और एक चीज होती ज़हनों में नक्श कर देना। आपके ख्याल से ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मुझे एक याद आ रहा है, शॉट है रियाज शाहिद साहब का, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, तो विलन जो है वो हीरोइन के साथ जरा अटेम्प्ट करता है, तो वो ऐसे करके गिरती है, गिरने के बाद कैमरा पैन करके कहीं चला जाता है, थोड़ी देर के बाद बेड से एक कदम नीचे उतरता है और एक फूल पड़ा होता है और उस फूल पे वो एक पैर आता है और वो क्रॉस करके चला जाता है। अब सब कुछ समझने वाले को समझ आ गया। अब जरूरी है कि आप दिखाओगे यार कि हर चीज दिखाना है। वेरी सिंबॉलिक, क्या बात, सिंबॉलिक। क्योंकि डायरेक्टर का कमाल था कि वो जो बात कहना चाह रहा है उसको किस तरीके से बयान। अब आप ये फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आ रही होगी क्या हो, बड़ों को पता कि यार क्या हो गया। तो अब हमने यानी कि कैमरा जो है वो नीचे रखने की बजाय बकायदा हम कैरेक्टर्स पे लेके चलेंगे। नहीं होना चाहिए, एक हद होनी चाहिए। वो रहे गेस्ट हाउस ड्रामा, क्या बात है। हमने देखा सोना चांदी, देखा अंधेरा उजाला, देखा क्या धूप किनारे, देखा धूप किनारे, देखा सो मेनी प्लेस। ये जिंदगी देखा, ये जिंदगी, ये जिंदगी देखा, जंजालपुरा, जंजालपुरा देखा, फिर वो लंडा बाजार देखा, लंडा बाजार देखा। बिल्कुल, ये तो अभी की बात है जब हम फिल्मों में काम कर रहे थे। अंगारवादी देखा, अंगारवादी देखा, क्या बात है। हर मौसम पे ड्रामा बनता था, हर तरह का। हमने जितने नाम लिए हैं, आप ये जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ, आप ये सारे ड्रामे देखें, आपको लगेगा कि हर किसी की कहानी अलग है। अच्छा जी, आते हैं जरा वापस जिंदगी की, घरेलू जिंदगी की तरफ, घरेलू जिंदगी की तरफ। कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ से वहां जाना पड़ा? तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर को ना बुला लिया जाए। बिल्कुल बुला लिया जाए, ताकि जरा दू बदू आमने सामने बात हो जाए ना, और हमारा शो और ज्यादा लाइट हो जाए, और ज्यादा लाइट आ जाएगा। तो तशरीफ लाते हैं जी आपकी भरपूर तालियों में, मिसेज इमरान अरूर। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज तशरीफ रखिए जी। कैसे हैं आप? शुक्र है। अरे माशाल्लाह, क्या जोड़ी है, हैं? ये वो जोड़ी थे नहीं जोड़ी बड़ी ईद में कहने यार 32,000 की जोड़ी, ये लखा करोड़ की हाय। बड़ी मुश्किल से मिली हुई जोड़ी। बड़ी मुश्किल से कैसे मिली? अब आप बताइए, इन्होंने 5 साल का अपना फिल्मी कैरियर, शोबिज का कैरियर कुर्बान किया आपसे मिलने के लिए। यहाँ से हमें छोड़ के चले गए, कैमरे बंद हो गए, लाइटें ऑफ हो गई, इमरान अरूज साहब गायब हो गए और काम खत्म करके गए। जो काम पेंडिंग था ये नहीं कि बीच में छोड़, जो मेरी कमिटमेंट थी वो आप पूरी कर गए। मैंने उसको ऑनर किया, मैंने इनफैक्ट मैं पहले चला गया था, 2015 में गया, फिर मुझे दोबारा एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था उसके लिए के नाम से, तो उसकी कुछ शूट रह गई थी और उसको वो प्रोजेक्ट खत्म अपने काम पे था, तो मुझे कॉल आई उसके लिए, तो मैंने बिल्कुल से कहा वापस आया, आई केम बैक और अपना प्रोजेक्ट खत्म। कमिटमेंट, कमिटमेंट।
असल बात यह है कि मैंने अगर एक दिन कुछ चार दिन के लिए काम किया होता है इस इंडस्ट्री में मैं चला जाता तो दैट वाज अनदर थिंग. मैंने एक 18 इयर्स ऑफ माय लाइफ जिंदगी का एक हिस्सा होता है और जो इज्जत और मुकाम मैंने पाया वो मैंने इन्हीं लोगों के साथ इसी इंडस्ट्री में काम करते अपनों के साथ और अपनों के दरमियान रह के पाया. तो मैं चाहता था कि अगर मैं जाऊंगी तो मैं इस इज्जत के साथ जाऊं कि जब मैं वापस आऊं तो उसी इज्जत के साथ आऊं वापस भी आऊं. जी 5 साल के लिए ब्रेक लिया अचानक चले गए और आपके साथ जाके मिले वो क्या कहानी है थोड़ी बहुत बताएंगे ऐसी है कि बताएंगे आप या नहीं. नहीं बिल्कुल बताने वाली है शायद किसी और के भी वो काम आ जाए क्योंकि जैसे इन्होंने अभी कहा कि ये बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को मिस कर रहे थे और बहुत लंबा टाइम अपना शोबिस को भी दिया और अपनी पर्सनल लाइफ को ये बैचलर लाइफ इनफ ये एंजॉय कर चुके थे. अच्छा. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकली जो है अपनी लाइफ में कदम रखना चाहते थे जो एक्चुअली मतलब बच्चों के साथ और वाइफ के साथ होती है. तो उसी तरह तो आपने इतना अच्छा कैसे गुजारा इनके बगैर. मैं बस जाहिर अपने बच्चों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व और अपने 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 काम में ज्यादा इन्वॉल्व रही इसलिए ज्यादा टाइम काम में गुजरा. शी इज अ प्रोफेशनली शी इज इन टू प्रोफेशन जहां ये अपने बिजनेस को लुक आफ्टर करती हैं. इनका नया एक सैलून है सैलून जी नाज़न आर के नाम से. ये नाज़न है और नाज़न है ये ईस्ट लंदन की एक सेलिब्रिटी है. ओ यस मैं जानता हूं मैं आपको बताता हूं इनके बारे में एक और बात बताऊंगा. अच्छा तो साथ साथ फैमिली को टाइम देना साथ साथ बिजनेस को टाइम देना. सो शी एक्चुअली रियली प्लेड अ ग्रेट रोल इन ऑल दीस 5 इयर्स. जी और ये असल में आप जानते होंगे हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म स्टार साहिबा को उनकी दोस्त भी है. उनकी दोस्त भी है ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है जी सोलमेट. एग्जैक्टली अब लाहौर में इकट्ठी थी फिर आप चली गई वो फिल्मों में आई और आप चली गई छोटी उम्र में चली गई थी. एक्चुअली मेरी प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो वहीं पे स्टार्ट हुई है. हाँ, मुझे आप स्कूल लाइफ में इकट्ठे थे. बिल्कुल ओके फिर आप वहाँ चली गई आपके बाद ये हिट हो गए इन्होंने फिल्मों में आ गए. अच्छा थोड़ा बहुत बताएंगे कि आपकी शादी का क्या कुछ था कोई सिलसिला. शादी का इस तरह हुआ कि वो सुना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कोई हाँ फिल्मी कहानी लगती है जी इनकी फिल्मी कहानी है. सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो यहाँ बैठे वो यहाँ बैठे वो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि क्या हुआ. लोगों को ये पता चले कि हम एक टाइम था जब वी नो ईच अदर बट वो बहुत हमारा एज का एक टाइम था. टीनेज शी जस्ट मूव टू लंदन उनकी फैमिली वहां मूव कर गई. वेरी वेरी माइनर इंट्रोडक्शन था बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना कि जैसे फैमिली के वजह से हम कुछ लोगों को जानते हैं पहचानते हैं मिलना जुलना ठीक है. तो ये चली गई फिर ये चली गई और तकरीबन कोई 15 इयर्स के बाद आपका बिल्कुल कोई कभी कॉन्टैक्ट नहीं कॉन्टैक्ट कोई एक दूसरे को जानता पहचानता भी नहीं कि कौन कहाँ होगा क्या कर रहा होगा क्या भूल गए थे मतलब बिल्कुल ही एक वो कहते हैं कि पता भी नहीं भूलना तो नहीं था यानी कि कह सकते हैं दिमाग में कहीं दिमाग में भी चले ऑफ कोर्स आपके माइंड में तो होती है सब चीजें. लेकिन ये है कि मैं कहूंगी कि ये बात तो डन हो गई ये बात डन क्या थोड़ी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई. लेकिन ये कि ये एक ना जैसे कहते हैं ना सुनने में आता है कि रिश्ते और जोड़ियां आसमान पे बनती है ये कोई कुदरती है कुछ सिस्टम ऐसा हुआ है कि इधर ये अकेले है उधर मैं अकेली रही तो वो टाइम गुजरता गया तो टाइम मिलने का आपने वहां शादी कर ली थी जल्दी एज में आपने यहाँ कर ली थी. एग्जैक्टली फिर एक ऐसा मोड़ आया कि आप दोनों दोबारा मिले. एग्जैक्टली और जो पिछले रिश्ते हमारे रिश्ते जो थे वो इस मिलने से पहले वो पहले खत्म हो चुके थे. अच्छा तो वो ये इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये रिश्ते आसमानों में बनते हैं और अल्लाह ताला जो है आपके लिए जो बेस्ट होता है वो चूज करता है और सिमराता है. यानी फिल्मी कहानी है कि नहीं. दो लड़की लड़का पहले मिले
फिर एक लंदन चली गई, लड़का पाकिस्तान रह गया, उन्होंने वहां जाके बिजनेस किया अपना, ये यहाँ एक्टर बन गए, और बीच में 15-16 साल का 18 साल का गैप, इतना गैप, दोनों के बच्चे हो गए, और फिर वो पहले वाला रिश्ता खत्म हुआ, फिर अचानक इनकी कई मुलाकात हुई और फिर इनकी शादी हो गई। अब माशाल्लाह आपके बच्चे इकट्ठे रहते हैं वहाँ, वो इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने बच्चों को जो वहीं पैदा हुए वहीं पे आप माशाल्लाह वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और वो जी मैं मिला उनसे और वो उर्दू भी बोलते हैं पंजाबी भी बोलते हैं, क्या बात है। हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक जिसके लिए इम्तिहान था वो ये था कि बच्चों की आपस में बॉन्डिंग होना। आपका एक बेटा है एग्जैक्ट, और आपके दो बेटे हैं माशाल्लाह, तीन भाई हो गए, तो मेरा भी करा दो उस तरह से दो तीन भरा, मेरे दो ने दो को बोल तो चार आपके पास जो दो अल्लाह ने दुनिया आपको दो तीन उधर हल्का सा मैंने उधर देखा बेगम गुस्से से है, तो मैं वापस आ गया, सॉरी ये तो मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। अच्छा नहीं जी मुझे यही अल्हम्दुलिल्लाह यही ठीक है, कोई हो गया तो भाभी दसना उधर। अच्छा नहीं ये पापी ओदी से लिए आप तो मेरे दोस्त हो ना, कोई बात है दसना मैं ना पूछ के डालते हैं। अच्छा अच्छा जी, कोई और ऐसी कुर्बानी जो इन्होंने वहां भी जाके दी हो ईद की कुर्बानी के बाद, वो तो सारे करते हैं ना। नहीं मैं इनसे सबसे ज्यादा जो इंप्रेस हुई हूँ ना, और बहुत ज्यादा मैं इनको आई मीन लाइक पर्सनली भी और अनाउंस भी करना चाहूँगी, जो अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने उधर जाके बहुत लग्जरी लाइफ देखी जिसकी लोग ड्रीम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उधर अपना दिल नहीं खोया, ये अपने मुल्क को याद किया जितनी देर भी रहे हैं, और हमेशा इनकी कोशिश रही है कि ये अपने अपने रूट्स में ही अपने लिमिट्स में रही। क्योंकि मैं आपको खबर और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनमें एक बैलेंसिंग होती है ना, यानी माँ की जगह, बहनों की जगह, बच्चों की जगह बहुत जबरदस्त, ये तरबियत होती है, ये तरबियत होती है तीनों तरह, इसलिए कहते हैं ना कि बुजुर्ग जो घर में है ना वो बड़े जरूरी है। आजकल जो आ गया ना अलग अलग रहने वाला, बच्चों की परवरिश माँ बाप नहीं कर सकते क्योंकि वो बिजी होते हैं, बच्चों की परवरिश हमारे पाकिस्तानी माशरे में जो है वो नाना नानी दादा दादी करते हैं, क्योंकि बच्चे उनके पास होते हैं। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट वाली है वो ये कि इन्होंने उधर जाके, मैं पहले मुझे इतना नहीं पता था कि इज इन शोबिज लाइफ, क्योंकि उधर इतने चैनल उस वक्त नहीं चलते थे, तो लेकिन मैं नहीं सोच सकती थी मैं इधर कराची आई इस्लामाबाद, मैंने इनका बहुत यू नो लाइक इट हाई फाई और यू नो लाइक हम मरी के प्रोटोकॉल नहीं देखा, आई वाज बिट कंफ्यूज, बट ये जब उधर गए हैं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इन्होंने वहां पर ये नहीं सोचा कि मैंने ये काम करना है और ये नहीं करना। अच्छा इन्होंने ये जरूर बताएं क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको इनकी मुंह से जुबान से सुनवाना चाहता हूँ कि इमरान रूज एक स्टार होके भी और बेगम का बिजनेस बहुत बड़ा है इनकी माशाल्लाह, वहाँ पे बड़ा ठीक ठाक इनका रहन सहन है जो बड़ा कम लोगों में मैंने देखा है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह रहना खाना पीना गाड़ियाँ वाड़ियाँ काम सब, और उसके बावजूद इन्होंने जाके वहाँ क्या किया ये आप बताएं, क्योंकि पता चले लोगों को कि पाकिस्तानी मर्द जो है वो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, सारे नहीं होते क्योंकि एक दिन भी खोया होगा, नेक्स्ट डे ये उठ के खड़े थे बताएं क्या करना है। आई मीन आवाज़ ये तो मैं अनाउंस करूंगी कि इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और ऐसा ऐसा भी काम किया जो मेरा ख्याल है कि मैं बता भी सकती हूँ और नहीं भी बताना चाहिए कि इन्होंने हर वो काम घर के काम से लेकर घरों के घर के काम से लेकर शॉप के काम से लेकर जो इनको काम नहीं भी आता था इन्होंने एफर्ट डाली अपने उस काम को करने किया, इन्होंने और इवन यहाँ तक कि जॉब भी की, जॉब यही मैं बताने लगी कि इवन हालांकि पैसे की तो कोई मसला नहीं था लेकिन इन्होंने आज तक मुझसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की, अपना खर्चा हमेशा क्या भाई। देखिए बात यह है कि किसी भी इंसान में उसका खुददार होना सबसे ज़्यादा, ये मैं आई वॉज ब्लेस्ड बिकॉज मैंने वहाँ जाके अक्सर एक्सपीरियंस किया लोगों को देखा जी उस मूड में जाते हैं यहाँ से जो जाते हैं नए नए जाते हैं और कैसे जाते हैं और कैसे रहते हैं, मतलब बहुत टफ टाइम देखते हैं
मैं आपके इस इंटरव्यू के तवज्जुह से अपने ऑडियंस को बताता हूँ कि वो बहुत टफ टाइम देखते हैं, जहाँ फैमिलीज उन पर उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मैं आई वॉज ब्लेस्ड इन दैट सेंस के इसने मुझे द वे शी टुक मी ओवर देयर, और जैसे जाके मैं वहाँ पे रहा तो मुझे ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मेरे पास घर था, छत थी, बीवी थी, खाना, गाड़ी थी, बच्चे थे, गाड़ी, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा से अपने अंदर मेरे एक मेरा एक मजबूत इरादा था वो ये था कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी के अभी हाथ नहीं लगाऊँ, मैं किस मैं बेशक ही मेरी जान है, मेरी वाइफ है और मैं बिलव्ड है, बट मेरी जो खुदारी उस चीज़ की इजाज़त देती है मैं इसके आगे हाथ करूँ और मैं इससे कोई चीज़ का तकाजा करूँ। Although she really took care of me, मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा। नहीं वो तो है, मैंने देखा है इंडिया आपकी शादी से पहले भी हम लंदन में। अच्छा तो मिल चुके हम पहले काम की देखें, काम जो अपने मुल्क में काम कर सकता है वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है, जो अपने मुल्क में काम नहीं कर सकता, जो ये कहते हैं जी कि हमने यहाँ कुछ नहीं करना बाहर जाके करना, वो ये सुन लेंगे वो वहां जाके कुछ नहीं कर सकते। आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने मुल्क में जरूर करें ताकि आपको आदत पड़े। जब आप यहाँ पे अपना आप साबित करेंगे कि आप खुददार हैं और अपना रिस्क कमाना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो वहां जाके भी आपको इज्जत मिलेगी, वहां भी रिस्क मिलेगा और आपको तरक्की भी मिलेगी, और इज्जत के साथ। मेरी लाइफ में हमेशा मैंने जो भी काम किया, एक तो मैंने सबसे पहले उसको ओन किया, एक्टिंग की, मॉडलिंग की, तो पहले मैंने उसको ओन किया कि मेरी चीज है, मैं करना चाहता हूँ, बाय हार्ट किया और ऑनेस्टी से किया। क्या वहां भी किया तो ओन किया, बाय हार्ट किया और ईमानदारी से, इधर भी किया तो ईमानदारी से। अच्छा जी माशाल्लाह जो काम किया आपने जबरदस्त किया और दिल से किया और अल्लाह ने कामयाबी दी, अब क्या आगे क्या इरादे हैं आप दोनों के, क्या इरादे हैं? हमारा ये प्लान है फ्यूचर के हम पाकिस्तान में आकर अपना एक बिजनेस सेटअप क्रिएट करें। अच्छा यहाँ है और यहाँ पे इरादा है, और वो शोबिस से भी हो सकता है, वो कोई होटलिंग भी हो सकती है, भी हो सकता है, और वो ब्यूटीशियन का काम, वो ब्यूटी से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड भी हो सकता है। अब ये तीनों काम घर के हैं क्योंकि आप ये तीनों कर चुके हैं। एग्जैक्टली ब्यूटीशियन तो ये है, एक्टर आप हैं, ये दोनों घर के काम है, तीसरा आपने मैनेजमेंट सीख ली होटलिंग की, रेस्टोरेंट की। सो अब ये है कि बहुत सारी चीजें वी कैन डू इट हियर एंड और इन फ्यूचर नो वन नोज़ के हमारे बच्चे कहेंगे भाई आपने सारी जिंदगी शोबिज़ की, व्हाई नॉट वी। हाँ ये भी, और वो बड़े हैंडसम हैं जी, बड़े बड़े मॉडल मॉडल हैं। आई वुड लव टू के मेरा कोई बेटा आके और वो इस फील्ड को ज्वाइन करे, मेरे लिए बड़े एजाज की बात ये होगी कि मैं जिस फील्ड में काम करता आया हूँ आगे और जनरेशन भी आए, और जनरेशन भी आए और हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करे। आप राजी हैं यहाँ बिजनेस? अगर आप अपने शोबिस के लिए मतलब नहीं रहना चाहते हैं तो मुझे, मैं बस इनके साथ रहना चाहती हूँ। मतलब मुझे तो लगता है आप एक्टिंग भी करेंगे। I don't think so, मुझसे हमारे यहाँ जो बाहर से आते हैं, अमेरिका से, यूके से और ऑस्ट्रेलिया से, तो उनको बड़ी जल्दी यहाँ चांस मिलता है आजकल। तो आपके बच्चे बाहर से आएंगे उन्हें भी चांस मिलेगा, तो इनको तो मिल ही जाएगा। नहीं हम अपनी कोई फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हम लंदन में शूट करके आते हैं, यूरोप में शूट करके आते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं। दो लड़के और दो लड़कियां तो घर से ही है ना, लड़के कितना मजा आता है अपने आप को लड़का कहने में। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेज आपके लिए। आपने पीछे कामयाबियां हासिल करते हुए आप इकट्ठे हुए हैं, अब आगे और मजीद कामयाबियां आप मिलके करें और अल्लाह आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे और इसी तरह मोहब्बत जो है वो आपके दिलों में एक दूसरे के लिए कायम रहे। और मोहब्बत के साथ साथ शादी जो है ना वो मियां बीवी की नहीं होती, पाकिस्तान में फैमिलीज की होती है, तो आपकी फैमिलीज भी है जो है वो आपस में मोहब्बत के साथ रहें, तो इससे बड़ी और क्या बात है। जिंदगी एक दफ़ा मिलती है जी, आप उन्होंने हंडाओ अच्छी तरह।
बहुत सारा शुक्रिया जी आपका, स्पेशल आपका भी बहन भाभी, और मैंने खतरनाक बात की थी, बेगम साहिबा सुन रही हूँ, गुस्से से खड़ी हैं, तो कोई नहीं जी, मैं माफी मांग लूंगा, हो गई थी। आपका बहुत शुक्रिया इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त बातें, और कुछ आपको सुनने को भी मिली होंगी, सीखने को भी मिली होंगी बहुत सारी बातें, बहुत शुक्रिया जी। खवातीन हज़रात, ये था गेस्ट इन हाउस, और मेरे आज के गेस्ट लंदन से स्पेशल आए थे, और आपको ये शो कैसा लगा मैसेज करके बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, रब रखा। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन, देखते रहिए, हाँ ना।